हेलो गाइस, आप सभी लोगों का एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं डोमेस्टिक वायलेंस का जो चैप्टर 4 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो ये सीरीज मैं बना रहा हूँ यहाँ पर वन बाई वन सेक्शन की, ये मध्य प्रदेश से निकले हुए स्टेशन है। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, जिससे हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आए, हमें मोटिवेशन मिल पाए आपके लाइक से। और गाइस चलिए हम ज़्यादा समय ना लेते हैं, सीधे अपने मित्र की बात करते हैं। हम आपको लेकर चले सीधे डायरेक्ट पर एग्जाम में बता दें। लास्ट क्लास में हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ था सेक्शन 12 में एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 को, जो कि रिलेटेड है प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स ऑफ रिलीफ। सेक्शन 12 पर जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट, यानी कि जो अग्रीव पर्सन है उस वो व्यक्ति व्यथित हो और वो उसके साथ कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस किया जा रहा है, तो उस डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट में एप्लीकेशन कौन फाइल कर सकता है मजिस्ट्रेट के पास में। तो लास्ट क्लास में आपने यहाँ पर जरा देखा हुआ था, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अग्रीव पर्सन और आप प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन ऑफिसर और एनी अदर पर्सन, एन अग्रीव पर्सन सेल्फ कर सकता है एंड सेकंड प्रोटेक्शन ऑफिसर एप्लीकेशन फाइल कर सकता है एंड एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द अग्रीव पर्सन, जो अग्रीव पर्सन है उसके बिहाफ पर इनमें से कोई भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। अब जैसे कि फर्स्ट नंबर में अग्रीव पर्सन सेल्फ, किसी में प्रोटेक्शन ऑफिसर और थर्ड कोई भी अदर पर्सन भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। अब यहाँ पर जब बात की जाए, जब एप्लीकेशन फाइल की जाती है तो उसके बाद में मजिस्ट्रेट एक डेट फिक्स करते हैं सुनवाई के लिए, तो उस डेट की इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी ये हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सेक्शन 13 में। इधर एक कमेंट बता दीजिए सेक्शन 13 की तरफ। देखिए यहाँ पर कहा गया है सर्विस ऑफ नोटिस, अ नोटिस ऑफ द डेट ऑफ हियरिंग फिक्स अंडर सेक्शन 12। सेक्शन 12 जो आपने जस्ट अभी थोड़ा सा लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंग अगर हियरिंग के लिए डेट फिक्स की जाती है, जब एप्लीकेशन रिसीव हो जाए मजिस्ट्रेट को, तो उसके बाद हियरिंग के लिए जो डेट फिक्स की जाएगी सेल बी गिवन बाय मजिस्ट्रेट टू द प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो इसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले किसको दी जाएगी, तो मजिस्ट्रेट सबसे पहले इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन ऑफिसर को प्रोवाइड करता है। फिर इसके बाद में यहाँ बात की गई हु सेल गेट इट सर्व बाय सच मींस एज मे बी प्रेस्क्राइब, कैसे की जाएगी। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर रहेगा वो उसको क्या करेंगे, सर्व करेंगे और किस किस को वो सर्व करेंगे, ऑन द रेस्पोंडेंट एंड एनी अदर पर्सन, अदर पर्सन को कर सकते हैं और दूसरे रेस्पोंडेंट को कर सकते हैं या जो भी डायरेक्टेड करे मजिस्ट्रेट, डायरेक्टेड बाय द मजिस्ट्रेट विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 डेज। विद इन 2 डेज में जो प्रोटेक्शन ऑफिसर, विद इन 2 डेज में जो प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं उनको ये नोटिस सर्व करना होगा और वो किसको सर्व करेंगे, एक तो रेस्पोंडेंट को, अदर पर्सन को जिसको मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करे, और कितने टाइम पीरियड में, विद इन 2 डेज। अगर टाइम पीरियड की और आवश्यकता हो तो यहाँ रीजनेबल टाइम मजिस्ट्रेट यहाँ पे अलाउ कर सकता है, और द मजिस्ट्रेट फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रिसीव, जिस दिन मजिस्ट्रेट ने प्रोटेक्शन ऑफिसर को जो इन्फॉर्मेशन दे दी है उस डेट से और टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है, अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है तो उस कंडीशन में कि टाइम की और आवश्यकता है। अब जरा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं एकदम। आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 13 सब क्लोज नंबर फर्स्ट, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आर नोटिस ऑफ द डेट ऑफ हियरिंग फिक्स अंडर सेक्शन 12 शैल बी गिवन बाय मजिस्ट्रेट टू द प्रोटेक्शन ऑफिसर, हु शैल गेट इट सर्व सच मींस एज मे बी प्रेस्क्राइब ऑन द रेस्पोंडेंट एंड ऑन एनी अदर पर्सन एज डायरेक्टेड बाय द मजिस्ट्रेट विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 डेज और सच फर्दर रीजनेबल टाइम एज मे बी अलाउड बाय द मजिस्ट्रेट फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव। तो देखिए यहाँ पर आपने सब क्लोज नंबर यहाँ पर फर्स्ट पढ़ा, जो 12 के सेक्शन 12 में जो मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन फाइल की गई डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड, तो यहाँ पर क्या किया गया, प्रोटेक्शन ऑफिसर को मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मेशन देते हैं और इसके बाद में फिर जो प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं वो यहाँ पर अपने उस नोटिस को सर्व करेंगे रेस्पोंडेंट किसी अदर पर्सन को, जैसे मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करें। सेकेंड पॉइंट पर एक बार नजर डालिएगा यहाँ पर,
आप पढ़ना है सेक्शन 13 सब क्लोज नंबर 2, 2 पर यहाँ पर नजर डालते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस मेड बाय अ प्रोटेक्शन ऑफिसर इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब शैल बी द प्रूफ दैट सच नोटिस। ध्यान दीजिएगा डिक्लेरेशन ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, जो डिक्लेरेशन होगा वो कौन बनाएंगे यहाँ पर, प्रोटेक्शन ऑफिसर। और प्रोटेक्शन ऑफिसर डिक्लेरेशन बनाने के बाद में कैसे बनाएंगे, जैसा प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दिया गया हो उसके अनुसार जैसे डिसाइड किया गया वो क्या होगा, प्रूफ होगा उस नोटिस का सर्व किया गया। वॉज सर्व अपॉन द रेस्पोंडेंट एंड ऑन एनी अदर पर्सन, जो कि रेस्पोंडेंट और किसी अदर पर्सन पर किया गया एज डायरेक्टेड बाय द मजिस्ट्रेट। अब बात की गई कि अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूफ, जब तक कि अन्यथा साबित न कर दिया जाए तब तक ये मान लिया जाएगा कि नोटिस यहाँ पर सर्विस, नोटिस की सर्विस हो चुकी है, नोटिस सर्व हो चुका है रेस्पोंडेंट को या किसी भी अदर पर्सन को जिसको मजिस्ट्रेट ने डायरेक्ट किया। अब अगले हम यहाँ पर बात करते हैं जो हिंदी मीडियम से, वो भी थोड़ा सा एक नजर डाल लीजिएगा। हम यहाँ पर जो सेक्शन पढ़ रहे हैं सूचना की कानून, सूचना की कानून से रिलेटेड है सब क्लोज नंबर फर्स्ट पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर जो बात की गई है वो बात ये की गई कि धारा 12 के अधीन नियत की गई सुनवाई की तारीख की जो सूचना है वो मजिस्ट्रेट द्वारा संरक्षण अधिकारी को दी जाएगी। किसको दी जाएगी, मजिस्ट्रेट के द्वारा संरक्षण अधिकारी को दी जाएगी जो प्रत्यर्थी पर और मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित किसी अन्य व्यक्ति पर ऐसे साधनों द्वारा विहित किए जाए उसकी प्राप्ति की तारीख से अधिकतम 2 दिन की अवधि के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देश किया जाए कानून करवाया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है, जैसे ही एप्लीकेशन सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग रिसीव होती है डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड तो जो सुनवाई की तारीख जो डिसाइड की जाएगी वो उसकी इंफॉर्मेशन मजिस्ट्रेट के द्वारा संरक्षण अधिकारी को दी जाती है और संरक्षण अधिकारी को यह कर्तव्य होता है कि उसे 2 दिन के अंदर प्रत्यर्थी पर या फिर जो अन्य व्यक्ति हैं उन पर इसकी कानून की जाए। अगर रीजनेबल ऐसा लगता है कि टाइम और लग सकता है तो इस टाइम के लिए भी मजिस्ट्रेट यहाँ पर डेट जो है वो टाइम को एक्सटेंड कर सकता है, यानी कि और परमिशन दे सकता है कि 2 दिन या 3 दिन लगते हैं, रीजनेबल लगते हैं तो फिर उसके लिए समय बढ़ा सकता है। आप सेक्शन 13 का सब क्लोज नंबर 2 पर एक बार नजर डालिए, कहा गया कि संरक्षण अधिकारी द्वारा की गई सूचना की कामी की जो घोषणा है वो ऐसे प्रारूप में जो विहित किए जाए इस बात का सबूत होगी कि ऐसी सूचना की कामी प्रत्यर्थी पर और मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित किसी अन्य व्यक्ति पर कर दी गई है। तो किस पर कर दी गई है, मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित किसी अन्य व्यक्ति पर कर दी गई है और प्रत्यर्थि पर कर दी गई है ऐसा मान लिया जाएगा अगर संरक्षण अधिकारी द्वारा एक ऐसी घोषणा की जाती तो। जब तक कि तथ्य प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता कि उन्हें नहीं हुआ तब तक ऐसा मान लिया जाता है कि सूचना की कानूनी जरूरत। सो गाइस आप हमारे साथ बने रहिए, सेक्शन 13 मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा और इसके 1x1 सेक्शन हम यहाँ पर कंप्लीट करते जा रहे हैं एडीपीओ से रिलेटेड, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरा हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा हम आपसे कहना चाहेंगे लाइक जरूर करिए जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ पाए और हम आपके लिए सबसे अच्छी वीडियो को बना पाए। सो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।